समय से शुरू हुआ जश्न दिन ढलने के साथ और ज्यादा बढ़ गया। अंबाला में जैसे ही दिन ढला उसके साथ ही पूरा अंबाला आतिशबाजी के रंगों और पटाखों की गूंज से गूंज उठा। अयोध्या राम मंदिर की खुशी लोगों के सिर इस कदर चढ़कर बोल रही है कि शाम होते ही लोग मंदिरों में घी के दिए जलाने पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने मंदिरों में जमकर जय श्री राम के जय घोष लगाए और प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया। अंबाला में आज इस ऐतिहासिक दिन पर जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। इस दौरान अंबाला छावनी की मार्केट में ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी जमकर आज के दिन का उत्साह मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर हमने एसोसिएशन के प्रधान विकास सिंगला से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आज वो लोग किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अच्छी तरह मना रही है इसको और आज हमारे हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं है और आज हमें इतनी खुशी है कि हम उसको आपको जाहिर नहीं कर सकते और हम इसको पूरी सभा के सदस्य मंदिर के अंदर बहुत ही खुशी के साथ और देसी घी के दिए जलाकर और मिठाइयाँ बांटकर और आतिशबाजी करकर इसको मना रहे हैं और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही बड़ा दिन है और एक पर्व की तरह हम इसको मना रहे हैं और हमारी भावनाएं और खुशियां सब इसके साथ जुड़ी हैं। आज संघर्ष के बाद मतलब कि 492 साल का संघर्ष था और 30 साल से बहुत ही ज़्यादा इसके लिए प्रयासरत थे हम और आज ये एक वनवास खत्म हुआ है और इसके उपलक्ष्य के अंदर ये हम मना रहे हैं और बहुत खुशी है। आज हमने ये हमारा प्रोग्राम कल से ही चल रहा है, कल हमारा प्रोग्राम दीपक वितरण था, लगभग 700 दुकानों पर हमने दीपक देसी घी और बातें वितरण करी है। सुबह 12:15 पर हमने यहाँ से आहूति डाली है और उसके अंदर हम लोगों की आहूति अयोध्या तक पहुँचेगी और उसके बाद रामलला जी की आरती है 12:30 और उसके तत्पश्चात भी हमने हलवे का प्रसाद वितरण करा और अब हम लोग इसकी पूजा कर रहे हैं आज भगवान राम की और उसके बाद आतिशबाजी और मिठाई बांटी जाएगी।